नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश की पांच बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, जिससे आपका है सीधा सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृहनगर जोधपुर दौरे के दौरान मोदी सरकार पर जमकर बरसे। वहीं चार राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी अब मिशन राजस्थान पर जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर पहुंचे और एसटी वोट बैंक को साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी महंगाई की, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल अंगारे बन गए हैं। पिछले 10 दिनों में तेल के दामों में कितना इजाफा हुआ है वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात तीसरी बड़ी खबर की होगी। राजधानी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश को एटीएस ने नाकाम कर दिया है। अपने गुनाहों को आतंकियों ने उगल दिया। रिहाई के लिए पुलिस को भी घूस देने की कोशिश आतंकियों ने की थी। चौथी बड़ी खबर में बात होगी निजी स्कूलों की मनमानी की। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक परेशान हैं। फीस के नाम पर निजी स्कूल तानाशाही पर उतर आए हैं। बच्चों को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा। तो सबसे पहले चलेंगे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो सीधा बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर 74वें चेटीचंड महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोचती गेस्ट स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सीएम गहलोत से मिलकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान सीएम गहलोत ने दर्शन करने के बाद झंडारोहण किया। सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे से एक बस में सवार होकर विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के धरने में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई ईडी आईटी सब पर केंद्र का दबाव है। इस दौरान सीएम ने केंद्र से इन्हें स्वतंत्र तरीके से काम करने देने की मांग की है। वहीं सवाई माधोपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान नड्डा ने सम्मेलन के जरिए एसटी वर्ग को साधने की कोशिश की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे चलती है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब पे दबाव है केंद्र सरकार का, और ये होना नहीं चाहिए। आज अगर चीफ जस्टिस भैया को कहना पड़ा कि आज सीबीआई कहाँ तो रेड कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, इस प्रकार से उनकी वर्किंग को एग्जामिन करने का वक्त आ गया। ऐसा कुछ कहा उन्होंने, जोधपुर के करीब 1800 गांवों को, 200 गांव लगभग बाड़मेर के, 100 गांव लगभग पाली के हैं और शहर ही है, इन सबको लाभ मिलेगा। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है कि भाई ये चीजें तुमको क्यों नहीं याद आई। अगर तुमको देश प्रेम है, अगर तुमको आदिवासियों की चिंता है, अगर तुमको दलितों की चिंता है, अगर तुमको लोग जो समाज के में कहीं पीछे रह गए उनको आगे लाने की बारी थी, तो तुमको तो एक परिवार से फुर्सत ही निकली इतने सालों में। तुम तो उन्हीं के गुण गाते रहे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें तो सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया एजेंसियों के ऊपर दबाव का, तो वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। आगामी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। दिनेश डांगी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। दिनेश, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र को घेरा है और दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है, कैसे रणनीति आगे की दोनों पार्टियां तय कर रही हैं? लिहाजा अभी से तैयारियां यहां पर शुरू कर दी हैं और इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा आज पूरी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आए और पूरी राजस्थान में
भाजपा पार्टी ज्यादा मेहनत इसलिए कर रही है कि पिछली बार यहाँ पर भाजपा का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, पूरे पूरी राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर इन जिलों में आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो एसटी वर्ग है वो काफी तादाद में मतदाता है, उनको लुभाने के लिए आज उन्होंने एसटी वर्ग के लोगों के एक सम्मेलन रखा। उस सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए लड़ती है, हमने आदिवासियों को आगे बढ़ने में मदद की है और एक अलग से जनजाति मंत्रालय पहली बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब से बनाया था और कांग्रेस ने आदिवासियों को महज वोट बैंक समझा है, चाहे कौन सा भी वर्ग हो, किसी भी जाति का मतदाता हो, कांग्रेस ने हमेशा इस्तेमाल किया है। तो वहीं सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब अपने दौरे यहां पर तेज कर दिए हैं, लगातार बैक टू बैक वो जोधपुर के दौरे कर रहे हैं, दो दिन से वो जोधपुर के दौरे पर थे, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 3 साल से अपने हर भाषण में सीधा अटैक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी एजेंसियों पर, तो आज एक बार फिर उन्होंने अपने गृह जिले जोधपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स या फिर अन्य केंद्रीय एजेंसी, जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर इन एजेंसियों को एक मैसेज दे दिया जाता है और वो इशारे पर काम करने लग जाती है, यानी उनका साफ था कि अपने चुनावी और सियासी फायदे के लिए मिसयूज किया जा रहा है इन सरकारी एजेंसियों का, फ्री होकर बिना किसी दबाव के ये एजेंसियां काम करें, तो हमेशा हर भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा अटैक यहाँ पर करते हैं और किस तरह केंद्र सरकार हिंदुस्तान में सरकार चला रही है, इन तमाम आरोपों को लेकर आज उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला और किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसियों का, ये उनका कहने का मतलब था। दिनेश, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आगामी चुनाव के लिहाज से, क्या दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है 2023 के चुनाव का? जी बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में पिछले 30 साल से पराग एक ये परंपरा बन चुकी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार होती है, यानी 30 साल हो गए कि दोबारा सरकार रिपीट नहीं हो रही, लास्ट दिसंबर 1993 में हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस बार हमने अच्छे काम किए हैं, शानदार बजट पेश किया गया है और करीब 210 से ज्यादा बजट घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतर भी चुकी है, यानी काम शुरू हो चुका है और करीब 2.5 लाख से ज्यादा जो पुरानी पेंशन बहाल की गई है उससे कर्मचारी खुश है, वो कांग्रेस सरकार के साथ है, तो ऐसे में लगातार उपचुनाव भी कांग्रेस जीती आ रही है और कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी जैसे हालात नहीं है, इसलिए सरकार रिपीट करा के एक इतिहास रचना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये उनकी इच्छा है, उनकी ख्वाहिश है। तो वहीं अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता को किस तरह शिकस्त दी जाए, क्योंकि पहले सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह भाजपा पर आरोप लगे थे, एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस का, तो वो एक सियासी नजरिए से चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह एक भाजपा का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक विनिंग और रनिंग मशीन हो चुकी है भाजपा, लेकिन राजस्थान में चुनाव वो हार चुकी थी, फिर सरकार को भी डिस्टर्ब नहीं कर पाई, तो ऐसे में उनका भी एक सियासी नजरिए से वो चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस को हराया जाए, लेकिन गुटबाजी भाजपा में ज्यादा है, ये बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को पता है भाजपा का, इसलिए अभी से तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दिए, तो इस तरह दोनों दल अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चुनावी रणनीति में जुट चुके हैं। गुटबाजी बहुत ज्यादा अहम चुनाव के लिहाज से होती है दिनेश, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया, इसलिए सवाल बीजेपी की गुटबाजी को लेकर भी है, क्या नेतृत्व ठीक तरीके से प्रदेश के अंदर बीजेपी का नहीं मिल पा रहा है, जो धड़े बट रहे हैं, जो तस्वीरें हम देखते हैं, नेताओं की बयानबाजी को हम सुनते हैं, कार्यक्रमों को पार्टी के हम देखते हैं, उस पर क्या कुछ अभी केंद्र से आलाकमान काम कर रहा है, और दूसरा जो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी लगाती रही है, क्या उसकी काट भी ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, भाजपा पहले सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत गुटबाजी को खूब तूल देती थी, खूब हवा देती थी, लेकिन जब अब चुनाव आते जा रहे हैं तो कांग्रेस में की तो छोड़िए, भाजपा में कई चेहरे सामने आ चुके हैं, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, ओम बिड़ला, गजेंद्र सिंह शेखावत, कई नेता है, अर्जुन मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, जिन पर कांग्रेस के नेता नाम लेकर भी आरोप लगाते हैं कि इतने ये धड़े हो चुके हैं, इतने मुख्यमंत्री के चेहरे हो चुके हैं। नो डाउट, यकीनन कांग्रेस भी यह तर्क देती है कि हमारी सरकार रिपीट हो सकती है, क्योंकि इस बार भाजपा में गुटबाजी ज्यादा है, सीएम के दावेदार ज्यादा है, तो ये
चीज अब जो कलेक्टिव लीडरशिप है यानी सामूहिक लीडरशिप में और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बातें भाजपा खेमे से शुरू हो चुकी है, क्योंकि वसुंधरा राजे का गुट कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को चेहरा बनाए, लेकिन ये मोदी की भाजपा है, मोदी राज भाजपा के अंदर उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा जाए ये पराग संभव नहीं है, ना कि राजस्थान में बल्कि देश के किसी भी हिस्से में। तो सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और जैसे कि अग्रेसिव तरीके से भाजपा के अपने एजेंडे हैं, चाहे वो पोलराइजेशन हो, राष्ट्रवाद हो या अन्य मुद्दे हो, कांग्रेस के सामने चुनाव वो किसी भी राज्य में मोदी के चेहरे पर और इन्हीं एजेंडों के इर्द गिर्द पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो परिवारवाद का आरोप लगाना हो, पहले से लगाते आ रहे हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरह यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव जीता वही अग्रेसिव एजेंडे और मुद्दे राजस्थान में हो सकते हैं और सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन गुटबाजी नो डाउट कांग्रेस के मुकाबले फिलहाल भाजपा में ज्यादा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो 5 राज्यों में चुनाव